अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। चलो, कह रहा है कि अस्तित्व में हो, प्रश्न नंबर एक है, यदि अस्तित्व में हो तो इसका क्या कीजिए, पूर्ण वर्ग बनाकर जांच कीजिए। पहले जांच करेंगे, जांच करने के लिए आपको तीन मान लिखवाए गए हैं ना, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू यदि जीरो से बड़ा हो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यदि जीरो के क्या हो, बराबर हो, तो कहेंगे वह उस स्थिति में कि अस्तित्व है। यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान जो है जीरो से क्या हो, छोटा हो, तो अस्तित्व में नहीं होगा। चलिए जांच करते हैं, तो द्विघात समीकरण से किसे जांच करते हैं, द्विघात समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या सी इजिकल टू कितना जी, यही है ना। चलिए तुलना कीजिए, ए बराबर कितना, बी बराबर कितना, चार, बी बराबर चार करने में कितना, सी बराबर कितना, सी। समझ आ रहा है। चलिए अब हम लोग निकालेंगे अस्तित्व की जांच। अस्तित्व की जांच कीजिए, अस्तित्व की जांच, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। चलिए बी का वैल्यू कितना है, चार करने में तीन का होल स्क्वायर माइनस फोर गुणे ए का वैल्यू कितना है, गुणे सी का, चार का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, सोलह। करणी में तीन का भी तो स्क्वायर है, देखिए कैसे हो रहा है, चार करणी में तीन गुणे चार करणी में तीन, चार चौको सोलह गुणे करणी में तीन से करणी में तीन, जब समान करणियों का गुणा होता है तो करणी क्या होती है, हट जाती है, तो सोलह तिया अड़तालीस हो जाएगा, कितना हो गया अड़तालीस माइनस चार चौको और सोलह तिया अड़तालीस इजकल टू कितना, यदि बराबर जीरो, देखिए जीरो के बराबर आ गया फोर ए सी का मान, तो अस्तित्व में है कि नहीं है, अस्तित्व में है ना। तो चलिए लिखेंगे यहां से बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इजकल टू कितने के, जीरो के, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान इजकल टू जीरो है, तो यहां पर लिखेंगे अतः अस्तित्व में है, अस्तित्व में है ना, और कह रहा है कि जब अस्तित्व में है तो इसका क्या बनाइए, पूर्ण वर्ग। अब बनाएंगे पूर्ण वर्ग ना, ठीक है पूर्ण वर्ग बनाएंगे, तो इसको जरा उतार लीजिए यहां से, यहां तक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए तीन लिखवाया गया है विधि ना। पहला है यक्स स्क्वायर के गुणांक से सभी पदों में क्या करेंगे भाग, तो वैसे ही करेंगे, चलिए यक्स स्क्वायर से भाग देते हैं, यक्स स्क्वायर के गुणांक से, यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है चार, तो चार से सभी में भाग, भाग देंगे कितने से चार से एक्स स्क्वायर का, चार से चार क्या होगा, चार से चार कट गया, यहां पर बच गया क्या प्लस, यहां बच गया करणी में एक्स प्लस थ्री बाई क्या इजिकल टू कितना, यहां से अब ये दूसरा ये है कि मध्य वाले पद में एक बटा दो एक से क्या करते हैं गुणा, जो मध्य वाला पद है तो मध्य वाला पद कितना है अंडर रूट थ्री एक्स, इसका हर कितना मान सकते हैं आप, अब गुणे एक बटा कितने से गुणा करना है, यही तो करना है, एक बटा टू एक्स से गुणा, तो एक्स एक्स क्या होगा, अब करणी में तीन से एक में गुणा करेंगे तो करणी में बटा में क्या इतना, ठीक है। तीसरा गुणा करने के बाद, गुणा तो हो गया कट भी गया और आया है करने में तीन बटा में कितना दो, करे गुणा करने के बाद जितना आता है उसका वर्ग करके जोड़ते हैं और घटाते हैं, तो जितना यह आया है इसका क्या कीजिए वर्ग, अब करे यही जो वर्ग हुआ है इसमें उतना जोड़ेंगे उतना क्या करेंगे घटा देंगे, तो आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट थ्री एक्स, ठीक है मध्य वाले पद के बाद, तो जोड़ेंगे आप कितना करने में थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, घटाएंगे आप उतना ही
ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। और बच गया है क्या, प्लस थ्री बाई टू इजकल टू थ्री बाई फोर इजकल टू जीरो, ठीक है। स्वर समीका देखिए, स्वर समीका में कितने पद हैं, तीन पद है ना, यहां से आप लेंगे कितने पदों को एक साथ, तीन पदों को, तीन पदों को एक साथ लेंगे। स्वर समीका में अब देखेंगे मध्य वाले पद का चिन्ह क्या है, यहाँ पर स्वर समीका में यदि मध्य वाले चिन्ह, मध्य वाले पद का चिन्ह यदि माइनस हो तो इस सूत्र में माइनस लगाएंगे, मध्य वाले चिन्ह का, मध्य वाले पद का चिन्ह प्लस हो तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्लस। ठीक है, मध्य वाले पद का चिन्ह है क्या, प्लस, तो यहाँ पर कोष्टक लगाएंगे स्वर समीका द्वारा, और यहाँ पर बीच में क्या लगाएंगे, प्लस। देखिए कौन स्वर समीका में मध्य वाला चिन्ह प्लस है, पहले में, पहले में प्लस है ना, प्लस लगा दिए। अब रखा है पहले पद को और तीसरे पद को, यानी लास्ट वाले पद को ना, देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, तो स्क्वायर वहां से हटा दिया है, लिखा है पहला पद अधम अंतिम पद, अंतिम पद भी है, भी हो गया, आघात कितना दो, उसी तरह से हम लोग भी लिखेंगे पहला पद एक्स, तीसरा पद क्या है, आघात कितना लगा देंगे दो, क्योंकि घात दो लगाया है तो दो होगा, तीन लगाया होगा तो तीन, देखिए तीन वाला है नहीं, अब इतना तो सरसमिका हो गई, अब बच गया है आपका ये, करणी में तीन का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, बटा में कितना, आइए तीन कैसे हो गया, करणी में तीन को कौ बार गुणा करना है, दो बार, तो समान करणियों का जब गुणा होता है तो करणी क्या होती है, हट जाती है, ये सिर्फ कितना हो जाएगा तीन, तीन बटा में कितना हो गया चार हुआ। आप प्लस तीन बटा में कितना चार इजकल टू कितना जीरो, ठीक है इतना। यहां से देखिए एक्स प्लस करणी में थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, तीन बटा में चार प्लस है, तीन बटा में चार दोनों भी एक है ना, और एक का प्लस है एक का माइनस, तब तो घटेगा, और घटेगा तो आसानी से क्या होगा कट जाएगा, बराबर कितना हो गया, ठीक है। अब यहां से देखिए स्क्वायर हटा, यहां से इतना हुआ है ना, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो एक्स प्लस करणी में थ्री बाई टू इजकल टू ये होगा प्लस माइनस अंडर रूट में कितना जीरो, प्लस माइनस अंडर रूट में जीरो, तो ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस करणी में थ्री बाई टू इजकल टू जीरो का वर्गमूल कितना प्लस माइनस जीरो, तो यहां से एक्स बराबर हो जाएगा, इसको पछांदर कर देंगे प्लस माइनस जीरो, इधर प्लस में इधर चलेगा तो माइनस करणी में थ्री बाई क्या टू, इतना मान हुआ। एक बार चिन्ह क्या लेंगे, प्लस चिन्ह लिखेंगे ऐसे, प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लेने पर आपका हो जाएगा एक्स बराबर, इन्हीं दोनों का सिर्फ प्लस लेंगे इसका नहीं, इन्हीं दोनों का जो प्लस और माइनस में है इन्हीं दोनों को बस चेंज करेंगे, इसको नहीं चेंज करेंगे, जब प्लस लेंगे तो सिर्फ ये प्लस होगा माइनस हट जाएगा, और जब माइनस लेंगे तो प्लस हट जाएगा माइनस रहेगा, ठीक है। यहां पर हो जाएगा प्लस चिन्ह लिया जा रहा है तो प्लस माइनस हट जाएगा जीरो माइनस करने में थ्री बाई क्या टू, यह जीरो से कोई तात्पर्य नहीं है क्योंकि किसी भी संख्या में जीरो आप जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी जितना आप उसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे। एक्स बराबर हो जाएगा माइनस करने में थ्री बाई क्या, और प्लस चिन्ह पे तो हो गया, अब क्या करेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा एक्स इजकल टू, अब यहां से कौन हटेगा प्लस हट जाएगा, सिर्फ क्या होगा माइनस जीरो, इसको मत हटाइएगा माइनस अंडर रूट में थ्री बाई क्या टू, दोनों का माइनस है जुटेगा, दोनों का माइनस है तो करणी में थ्री बाई टू को यदि जीरो में जोड़ते हैं तो उतना ही हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा माइनस करणी में थ्री बाई क्या टू। आपको मूल निकालना है तो मूल आपका हो जाएगा, मूल दो मूल हो जाएंगे, पहला क्या है माइनस थ्री बाई टू, और दूसरा भी मूल है माइनस थ्री बाई टू, ये हो गया आपका क्या आंसर, ठीक है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए।
ताकि हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।